हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धनुज वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी और नारियल के लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया है। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा। हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि इसमें हम नारियल भी ऐड करने वाले हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट ऐड करके 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं भूनना है। और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये सूजी जो है फूली फूली सी लग रही है। इसमें कोकोनट है और वो भी फ्रेश कोकोनट है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। अगर हम इसे कम 10 मिनट से कम भूनेंगे तो इसमें से कुछ दिनों बाद स्मेल आने लगेगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये जो हमने भुना हुआ सूजी और कोकोनट है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्लेट में इस मिक्सचर को इसी तरह से रख देंगे और तब तक हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। अभी हम सेम ही पैन यूज़ कर रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ली है और चीनी बस पानी में डूब जाए उतना ही पानी हमें इसमें डालना है। अब चीनी पानी में मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे जैसे ही उबाल आ जाए हमें चेक करना है कि ये एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। हमें बहुत थिक वाली ऐसे नहीं बनानी है, बस हल्की सी एक तार दिखे हमें। धीरे धीरे पानी में उबाल आने लगा है। अब हम 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। अब हम इसमें केसर डालेंगे। हमारी चाशनी अच्छे से उबलने लगी है। अब हम ये जो केसर है ये पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ये एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे तार नहीं नज़र आ रही है, तो हम थोड़ा सा और इसे उबालेंगे। और ये देखिए दोबारा मैं चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं हल्की सी इसमें तार आने लगी है। अब तुरंत हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और ये जो हमारा मिक्सचर है भुना हुआ सूजी और नारियल का वो हमें इस चाशनी में अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये मिक्सचर चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसके ऊपर एक लिड रख के 1 घंटे के लिए इसे इसी तरह से ढक के रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हमारा मिक्सचर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। मैं इसे पैन से अलग कर रही हूँ ताकि ये कहीं नीचे चिपका हुआ ना रहे और इसके बहुत ही अच्छे से गोल गोल से लड्डू हम बना देंगे। अगर आपको ये लड्डू का मिक्सचर चिपचिपा सा लगे तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं जिससे कि लड्डू हाथ में नहीं चिपकेंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू बनके रेडी हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये 1 घंटे में हमें कंपलसरी लड्डू बनाने ही होंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो हम लड्डू नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये मिक्सचर जो है ये ड्राई हो जाएगा और इसके लड्डू नहीं बनेंगे और ये ऐसे खुला खुला ही रह जाएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।